क्वेश्चन है, आपके पास एक टैंक है, एक टैंक है और फिर से हाइट इसकी लिक्विड की एच है। अब क्या हो रहा है, टैंक फिर खाली हो रहा है। इस बार जो टैंक खाली हो रहा है, यहाँ पर एरिया नहीं गिवन, होल होल के थ्रू नहीं हो रहा, पाइप के थ्रू हो रहा है। पूरी पाइप लगा दी आगे और पाइप में से बाहर निकलेगा पानी, और पाइप की लेंथ है एल और एरिया पाइप का क्रॉस सेक्शन का ए। तो क्वेश्चन है कि जब हाइट एच थी और थोड़ी देर में हाइट क्या होगी, एच डैश हो गई, तो एच से एच डैश कितने समय में हुई? टैंक खाली हुआ, एच से एच पूरा नहीं खाली हुआ, एच से एच डैश पे आया लेवल, तो टाइम बताओ कितने टाइम में आया। तो रूल वही है, जितना लिक्विड पर सेकंड नीचे गिरेगा उतना ही पाइप के थ्रू बाहर निकलेगा, सिंपल। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड डाउनवर्ड क्या होगा, वही सेम माइनस डी एच बाई डी टी, पानी का लेवल कम हो रहा है तो माइनस एरिया ऑफ टैंक इंटू डी एच बाई डी टी। और राइट साइड पे एरिया इंटू वेलोसिटी नहीं, क्योंकि होल नहीं है। और पाइप में जब लिक्विड बाहर निकलता है तो क्या लगता है, जब लेंथ एल गिवन होती है, पॉइसन फॉर्मूला, तो पाई बाय 8 डेल्टा पी का मतलब पाइप के अक्रॉस प्रेशर का डिफरेंस, आर इज टू पावर 4 बाय ईटा एल। तो इसके अंदर अगर प्रेशर का डिफरेंस निकालना है पाइप का, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा बताओ, पी एटमोस्फेरिक होगा प्लस एच रो जी बी होगा, ये रहा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पी एटमोस्फेयर, तो डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी दोनों को माइनस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एच रो जी, तो इसलिए डेल्टा पी की जगह हमने क्या पुट किया, एच रो जी, राइट। मेडिकल वाले तो इसको लिख ले नॉट फॉर मेडिकल, तो एनसीईआरटी तो है ही नहीं है, तो नॉन मेडिकल वालों को ना मैथ्स के टीचर इसमें इंटीग्रेशन करवाएंगे, एच वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, फिर यहाँ एच से एच डैश लेवल चेंज करना है जीरो से टी, तो इसमें 1/h की इंटीग्रेशन लॉग एच होती है, तो एक बार अपर टर्म एक बार लोअर टर्म, माइनस साइन अंदर जाएगा, ये वाली टर्म आगे ये वाली टर्म पीछे, तो लॉग की टर्म एच बाई एच डैश, यहाँ से टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। पर चलो ये नॉन मेडिकल वालों के लिए है, मेडिकल वालों को इस क्वेश्चन को नहीं करना, और नॉन मेडिकल वालों को भी जब प्लस टू इंटीग्रेशन हो जाएगी तो ये सब ईजी लगेगा, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझे इसमें क्या करना है, ठीक। ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है आपके पास एक एक बकेट है, ठीक है, आपने पानी भरना है इसमें, आपने नलका चला दिया, टैप चला दिया, टैप में से पानी आ रहा है, कॉन्स्टेंट रेट से पानी आ रहा है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड टैप में से कितना आ रहा है, एल्फा, एल्फा का मतलब एक सेकेंड में इतना वॉल्यूम पानी टैंक में एंटर कर रहा है, कोई डाउट इसमें? अब क्या हुआ कि इसके अंदर क्वेश्चन है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी इस टैंक में लिक्विड की, ये बताओ, मैक्सिमम हाइट क्या होगी ये बताओ। अब एक बात बताओ, ये मैक्सिमम हाइट क्या होगी, और हाँ, और होल है, होल में से पानी निकलता भी जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, ये मैक्सिमम हाइट कब आएगी, ये मतलब क्या आप कैसे देख रहे हो इस क्वेश्चन को, मैक्सिमम हाइट क्यों पूछ रहा है यार, हाइट चेंज होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, कैसे होगा? चलो बाल्टी लेके आओ और होल कर देना नीचे से, मैं नलका चलाता हूँ। शुरू शुरू में क्या होगा, क्या जितना पानी टैप में से आ रहा है सारा होल में से निकलता जाएगा? नहीं, क्यों ही निकलेगा, शुरू में पानी बड़ा कम है, पानी भरेगा, पानी भरेगा एच हाइट अटेन करेगा, जब एच अटेन करेगा तो एफ्लक्स बढ़ेगी, शुरू में एच ही नहीं होगा, एफ्लक्स ही नहीं होगा, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड बाहर की तरफ नहीं होगा, हाँ कम होगा, ओके कम होगा, नहीं 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 बोलना चाहिए, कम होगा, ओके ठीक है कम होगा, लेकिन पानी का आने का रेट तो ज़्यादा होगा, तो बाल्टी भरनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे एच बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, एफ्लक्स बढ़ेगा, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड बढ़ेगा, तो वहाँ से एक ऐसा टाइम आएगा जब पानी का आने का रेट, वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड और वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड क्या हो जाएगा, सेम। शुरू शुरू में क्या हो रहा है, एच कम था तो आने का रेट ज़्यादा है, जाने का रेट कम है, तो धीरे धीरे एच बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बढ़ती जा रही है, एक ऐसा टाइम आएगा जब आने का और जाने का रेट सेम, अब पानी का लेवल वहीं का वहीं रह जाएगा, वो मैक्सिमम हाइट होगी। तो लॉजिक तो वही है, आने का रेट क्या है, एल्फा, जाने का रेट क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू एफ्लक्स, स्क्वेयरिंग करके एच मैक्स आ गया आंसर, खत्म। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो वॉल्यूम एंटरिंग और वॉल्यूम एग्जिट जब सेम है आंसर, ये नहीं करना, ये करना है, ये करेंगे।
देखो फाइंड फोर्स एफ व्हेन लिक्विड कम्स आउट विद वेलोसिटी वी. तो क्वेश्चन है कि एक टैंक पानी भरा हुआ है, होल कर दिया, होल किया, यहाँ से लिक्विड बाहर आ रहा है. जैसे लिक्विड बाहर आएगा बाय रिएक्शन, फ्रिक्शन नहीं प्रेजेंट यहाँ पर, स्मूथ है, तो ये कंटेनर पीछे चला गया. जैसे वो नहीं होता वो रॉकेट प्रोपल्शन, गैस नीचे तो रॉकेट ऊपर, पानी आगे कंटेनर पीछे, तो कंटेनर कितनी फोर्स से पीछे जाएगा ये क्वेश्चन है. जैसे बुलेट आगे निकल दिया तो गन पीछे, सेम पानी आगे गिरता जा रहा है और कंटेनर पीछे, फोर्स निकालनी है. तो क्या लॉजिक है, फोर्स क्या होता है, डी पी बाई डी टी. और जब पानी बाहर निकलता है उसकी इंस्टेंट पे वेलोसिटी वी है, तो वेलोसिटी बाहर, जब भी याद है लॉज ऑफ मोशन भी करते थे लिक्विड और गैस के क्वेश्चन में, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट लेते हैं और मास फ्लोइंग पर सेकेंड चेंज, तो डी एम बाई डी टी. मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन टाइम. वॉल्यूम अपॉन टाइम क्या होता है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी. तो वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी स्क्वायर. तो फॉर्मूला बन गया ये भी, मतलब अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो ऐसे कर लेना, फॉर्मूला याद कर सकते हो तो ठीक है, वी स्क्वायर एरो. तो आज के बाद अगर वी वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलेगा तो फोर्स एग्जर्टेड कितनी होगी पीछे की तरफ, वी स्क्वायर इंटू ए इंटू रो. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब क्वेश्चन में चेंज कर दिया उसने, क्वेश्चन में क्या किया, तो दो होल्स कर दिए. कह रहा है होल वन से भी पानी बाहर निकल रहा है, होल टू से भी पानी बाहर निकल रहा है. वन से जो इधर पानी निकलेगा फोर्स इधर लगाएगा, और जो इधर पानी निकलेगा वो फोर्स इधर लगाएगा, तो नेट फोर्स क्या होगी, दोनों को माइनस कर लेंगे. तो फर्स्ट होल से फर्स्ट, ये फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, फर्स्ट होल से वी वन स्क्वायर एरिया इंटू डेंसिटी, सेकेंड होल से वी टू स्क्वायर एरिया इंटू डेंसिटी, ये टू हटा दो, डेंसिटी, डेंसिटी तो सेम ही रहेगी लिक्विड की. तो v1 की जगह अंडर रूट ऑफ 2gh, v2 की जगह अंडर रूट ऑफ 2gh, ये भी 2 हटा दो, आंसर दोनों को माइनस कर लेना, आंसर आ जाएगा. तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी कैसे हैंडल करनी है. ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? इस फिगर में आपको एक ब्लॉक गिवन है जिसका मास ma है, एक ब्लॉक गिवन है जिसका मास एम बी है. ये जो ब्लॉक बी है ये लिक्विड के अंदर है, हमने लॉज ऑफ मोशन में किया तो हुआ है, दोनों हवा में होते थे, जिसमें हम क्या करते थे, नीचे आ रहा है तो इसका वेट माइनस इसका वेट अपॉन टोटल मास, ये एक्सीलेशन हो जाती थी, ऐसे करते थे. इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये इसका जो वेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर क्या ऐड करेगा, अप थ्रस्ट. तो आपको दोनों मासेस का रेशियो गिवन है 2:3, तो यानी कि अगर एक मास एम ए 2m है तो दूसरा 3m है. और आपको बी की डेंसिटी गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, बी की डेंसिटी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 2:1. तो आपको एक्सेलेरेशन बतानी है सिस्टम की क्या होगी जी की फॉर्म में. तो एक्सेलेरेशन का बेसिक रूल तो वही है, क्या कि इसका वेट, इसका वेट क्या होगा, एम बी जी माइनस अप थ्रस्ट माइनस इसका वेट. इसका वेट क्या होगा, एम ए इंटू जी. तो बी का नया वेट माइनस ए का वेट अपॉन टोटल मास एम ए प्लस एम बी, पुट कर दिया. इसके अंदर एम बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 3m, तो एम ऑफ बी की जगह 3m और एम ए ऑफ ए की जगह 2m, तो यहाँ पर भी 3m और 2m, राइट. और लास्ट स्टेप है वाटर की डेंसिटी क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगी यहाँ पर, बॉडी की डेंसिटी बाय 2. तो वाटर की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी बाय 2. तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि v into density, volume into body की density का मतलब body का weight, और b body का weight कितना है, 3m, b 3m के बने, तो इसकी जगह सीधा सीधा क्या पुट कर दिया, 3m, m m m क्या हो गया, cancel, answer, answer आ गया. तो मतलब किसी तरीके से आपने जो पहला स्टेप लिखना है, पहले स्टेप में ma mb की वैल्यू 3m 2m पुट कर देनी है, किसी तरीके से डेंसिटी को या डेंसिटी को अपने बॉडी की डेंसिटी में कन्वर्ट करके बॉडी की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बॉडी का मास, फिर एम की फॉर्म में आंसर आएगा, ताकि एम 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 क्या हो जाए, कैंसिल. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. और आखिरी क्वेश्चन है, आपके पास एक पाइप है, एक पाइप है और प्रेशर हेड उसमें पी है. आपने क्या किया, उस पाइप का प्रेशर हेड को आगे, या इस पाइप की जगह आपने तीन पाइप्स लगा ली पैरेलल में, L1, L2, L3, और सेम रेडियस RRR, और प्रेशर डिफरेंस सबका सेम है क्योंकि पैरेलल में प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू क्या रहती है, सेम. तो कह रहा है L का रिलेशन L1, L2, L3 के साथ क्या रहेगा.
तो अगर मैं इस पाइप को आगे कनेक्ट कर देता हूँ, तीन में डिवाइड कर देता हूँ, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड जो मेन पाइप का था वो इसका प्लस इसका प्लस इसका ऐड हो जाएगा। तो लिक्विड में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड अगर टोटल पाइप में पी था तो तीन पाइप्स में भी V1, V2 और V3 हो जाएगा। और वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड पॉइसन फॉर्मूला से क्या होता है, पाई बाई 8 PR4 बाई ईटा L। अब लेंथ बड़ी रॉड की L थी, छोटी की L1, L2 और L3। प्रेशर तीनों में एग्जैक्टली सेम है, रेडियस सब में सेम है, प्रेशर इसलिए सेम है क्योंकि पाइप किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, और पैरेलल में पी सेम रहता है। तो सब कैंसिल हो गया, आंसर ये ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्टिव आपको ऐसा।